Hello everyone. So, how is everybody? Good? Okay. So, the next chapter that we are going to start today is inverse trigonometric functions. Trigonometric mein abhi tak hum kaun-kaun se chapters padh chuke hai? We have already studied trigonometric ratios, compound angles and functions. We have studied equations and inequations. We have studied heights and distances and solutions of triangle. Now, the last chapter of trigonometry that we are going to start is inverse trigonometric functions. अब इससे पहले एक बात समझिए, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ा हमेशा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा. ओके, हमने इन सभी चैप्टर्स में जो भी पढ़ा, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इक्वेशंस, फंक्शंस, रेशियोज, हमने हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डील किया है. बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, इससे पहले मुझे एक और बात बताइए, आप सभी ने क्या फंक्शंस पढ़ लिया है? फंक्शंस पढ़ा होगा तो इनवर्स फंक्शंस भी पढ़ा होगा. तो इफ यू हैव स्टडीड दिस यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली कि जब मैं इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलती हूँ तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. ओके, और अगर इन केस आपने फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं भी पढ़ा हो तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट. इस टॉपिक में हम सब कुछ बहुत ही बेसिक से और बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से पढ़ेंगे. इवन इफ यू डू नॉट नो अबाउट अ फंक्शन और अ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, प्लीज डू नॉट वरी. आई विल मेक श्योर कि मैं सभी चीजें बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करूँ और आपके कोई भी डाउट्स ना रहे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं. ओके, फिर हम समझेंगे कि इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है. ओके, सो लेट अस से आई हैव अ फंक्शन एफ सच दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू y. ओके, सो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसा मेरे पास एक फंक्शन है. अब मुझे बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा. हम जानते हैं डोमेन क्या है, वो वैल्यूज जो ये फंक्शन ले सकता है, दैट इज x में जो जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हो. तो मैं जानती हूँ इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि मैं जब कहती हूँ y इक्वल्स टू साइन एक्स, ओके, तो मैं जानती हूँ x में मैं सारे रियल नंबर्स पुट कर सकती हूँ. ओके, और मुझे बताइए इस फंक्शन की रेंज क्या है, ये फंक्शन कितनी वैल्यूज प्रोड्यूस करता है, किस रेंज में इस फंक्शन की वैल्यूज लाई करती है, मतलब y किस रेंज में लाई करता है. हम जानते हैं इस फंक्शन की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू क्लोज्ड इंटरवल वन, बिकॉज आई नो साइन एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ माइनस वन एंड अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन, विच मीन्स फॉर दिस फंक्शन एफ विच इज साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज माइनस वन टू वन. ओके, अब ऐसे समझिए कि अगर ये है सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू x, ओके, और ये है सेट y सच दैट my स्मॉल y बिलोंग्स टू y, ओके. अगर मैं अब इसे प्लॉट करूं तो ये कैसा होगा, मैं जानती हूँ x की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, मतलब इट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओवर हियर, एंड y रेंजेस फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, ट्रू. तो अगर मैं अब यहाँ पे फंक्शन f प्लॉट करना चाहूँ तो किस तरीके से होगा, मैं जानती हूँ यहाँ पे क्या होगा, आप समझिए. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ f ऑफ जीरो, that is sine zero, so I know it will correspond to zero here. अब मैं कहूँ f of pi by 2, so I know it is going to be plus 1, okay, it is a plus 1 here and minus 1 here, so it is going to be plus 1. अब मैं कहूँ f of minus pi by 2, so ये हो जाएगा minus 1. अब मैं कहूँ f of 3 pi by 2, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, minus 1. तो ये वैल्यू वापस से यहाँ आने लग जाएगी, ठीक है. अब मैं कहूँ f of 5 pi by 2, तो मैं वो जानती हूँ इट इज अगेन गोइंग टू बी 1. ना इफ आई से f of 4 pi, सो इट इज गोइंग टू बी अगेन 0. अगर मैं कहूँ f of 7 pi by 2, तो मैं जानती हूँ वो हो जाएगा माइनस 1. सो इसी तरीके से आप मुझे बताइए इस फंक्शन का नेचर क्या हो रहा है, इट इज वन इज टू मेनी फंक्शन, है ना, ऑन टू फंक्शन तो है ही नहीं किसी भी तरीके से, इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, इट इज अ नॉन इंजेक्टिव फंक्शन. सो आई विल से इट इज अ मेनी इज टू वन और
non-injective function? Because it is 1 is to many function, not a 1 is to 1 function, it is non-injective. But range mein sari values cover ho rahi hai. So what it is? It is a surjective function. ठीक है, तो हम समझे कि हमारे ये जो trigonometric function है sin x equals to y, it is a non-injective but a surjective function. मतलब bijective तो नहीं है. Okay, when do we call a function bijective? जब वो injective भी हो और surjective भी हो. That is when it is 1, 1 and it is into. Okay, तब 1, 1 on 2. ऐसे function को हम क्या कहते हैं? ऐसे function को हम कहते हैं bijective function. A function which is injective plus a function which is surjective. Okay? और जब भी हम कहते हैं कि अगर एक if a function f और हमें उसका inverse define करना है, तो हमें उस function को सबसे पहले तो ये make sure करना पड़ता है कि वो bijective हो. इस बात को हम और आगे जाके discuss करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, but अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मेरा जो sin x function है वो non-injective है और surjective है. Okay? अब मुझे बताइए कि ये sin x function exactly क्या define करता है. Okay? जब मैं कहती हूँ sin of pi by 3 equals to root 3 by 2, या मैं कहती हूँ sin of pi by 2 equals to 1, या फिर मैं कहती हूँ sin of let us say pi by 6 equals to 1 by 2, जब मैं ये सभी स्टेटमेंट sin फंक्शन से रिलेट करके बनाती हूँ या कहती हूँ, so what do I mean by this? Mathematically तो हम इस function को समझ चुके हैं, ठीक है? Mathematically तो मैं sin x function को समझ चुकी हूँ कि एक function है जो domain है real numbers और जिसकी range है -1 to 1. और आगे मैंने क्या समझा कि ये function non-injective है, okay? 1 is to 1 function है, 1 is to many function है, और ये function surjective है because it is or it is an onto function, okay? Now, अब इसी चीज को मुझे अब theoretically समझाइए कि जब मैं कहती हूँ sin pi by 3 root 3 by 2 है या फिर sin pi by 2 1 है, तो मैं इस चीज से क्या कहना या समझाना चाह रही हूँ. देखिए, सिंपल सी बात है, जब मैं ऐसा कहती हूँ तो मैं कहती हूँ pi by 3 एंगल का जो sin है वो root 3 by 2 है, या फिर मैं कहती हूँ pi by 2 एंगल का जो sin है वो है 1 by 2. मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं जिसमें एक एंगल है पाई बाय 3, तो उसकी हाइपोटेनस एग्जैक्टली उसकी हाइपोटेनस और सॉरी उसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो है √3/2. या फिर मैं एक ऐसा एंगल ड्रॉ करूं जिसका एक एंगल है पाई बाय 2, तो उसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या है? 1. यही मैं इस फंक्शन से कहना चाह रही हूं. ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज फ्रॉम हियर I say sine of angle x is y. This is what I refer from this function sine x equals to y. Okay? हम समझ गए sine x equals to y क्या कहता है? So this function basically gives me sine, says that sine of angle x is y. Okay? और the ratio of the perpendicular to the hypotenuse for angle x is y. Okay? Instead of this, अगर मैं अब ये question पूछूं, देखे, ये तो एक तरह का question हो गया. अगर अब मैं ये question पूछूं, let me write the question first, then we will explain. Okay? What is the value of angle whose sine is y. Okay? Now understand what my question is. Now my question is, what is the value of angle whose sine is y? ठीक है, यहां क्या है? Sine of angle x is y. या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, इफ मैं इसे क्वेश्चन में फॉर्म में लिखना चाहूँ, व्हाट इज द साइन और आई विल से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन
of angle x. ठीक है, मैंने यहां क्या स्टेटमेंट कहा है समझिए, y इक्वल टू साइन एक्स किस क्वेश्चन को आंसर करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल x, एंगल x के साइन की वैल्यू क्या है, या फिर ये इस आंसर को देता है कि इसका आंसर क्या है, साइन ऑफ एंगल x इज y, इट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल x एंड द आंसर इज साइन ऑफ एंगल x इज y. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल हूज साइन इज y. अब मतलब क्या है, यहां पर मुझे y दिया गया है और मुझे पता करना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू y है. समझिए, यहां पर मैं ये कहना चाह रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है साइन ऑफ एंगल थीटा इज 1/2. ओके, एंड फाइंड थीटा. ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो गया, मुझे दिया गया है कि एक एंगल थीटा है जिसके साइन की वैल्यू है 1/2 और मुझे पता करना है कि वो एंगल क्या है. ट्रू. सो ये क्या हो गया, अब एक बात समझिए, यहां पे हमें x दिया था एंगल और हमें उसका साइन पता करना था, बट यहां हमें y दिया गया है, दैट इज हमें साइन ऑफ एंगल दिया गया है बट हमें एंगल पता करना है. सो क्या मैं इनवर्स नहीं पता कर रही हूं, यहां पे मुझे x दिया है और मैं y पता कर रही हूं, सो यहां पे मैं x से y पता करना चाह रही हूं, बट इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूं, मैं y से x पता करना चाह रही हूं. सो एम आई नॉट फाइंडिंग द इनवर्स. सी, मैथमेटिकली इनवर्स क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे, बट आप पहले कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं इनवर्स कह रही हूं तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एन इनवर्स. जब फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है, तो थियोरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली इसका क्या मतलब होता है. मैथमेटिकली तो हम फॉर्मूलाज लिख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बट वी वॉन्ट गेट द फीलिंग ऑफ वॉट वी आर स्टडिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड फील द चैप्टर. सो राइट नाउ वी आर डूइंग दैट ओनली, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें कि इनवर्स से हमारा मतलब क्या होता है. ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब मैं कहती हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, तो मुझे एक्स दिया है और मैं वाई पता करनी हूँ, बट अब यहाँ पे क्या केस आ गया है, मुझे ऑलरेडी वाई दिया है और मुझे पता करना है कि एक्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है साइन ऑफ एंगल इज 1/2, ठीक है, सो आई नो साइन ऑफ एंगल थीटा इज 1/2, विच मीन्स आई नो साइन थीटा इज 1/2. बेस्ड अपॉन दिस आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा. ओके, मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है, लेट अस से आई हैव अ फंक्शन जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, मैंने एक फंक्शन, एक मैजिक फंक्शन डिफाइन किया है, लेट अस से वी डोंट नो दिस फंक्शन, बट इज अ मैजिक फंक्शन जी विच इज जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, जिसमें मैं अगर वाई देती हूँ तो मुझे एक्स की वैल्यूज मिलने लग जाती है. सो यहाँ पे क्या दूंगी, मैं y में दूंगी 1/2, तो ये मुझे उन एंगल्स की वैल्यू देगा जिनका साइन 1/2 है. आप समझ पा रहे हैं ना. ओके, व्हाट इज दिस g ऑफ y, इट इज अ मैजिक फंक्शन जिसमें मैं अगर साइन की वैल्यू देती हूँ तो मुझे वो एंगल्स बताता है जिसके लिए वो साइन की वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं 1/2 दूंगी तो मुझे ये x के टर्म्स में वो एंगल्स बताएगा जिनका साइन 1/2 है. ओके, अब मुझे बताइए कि इफ साइन थीटा इज 1/2, तो g ऑफ 1/2 की कितनी वैल्यूज आएगी और क्या क्या आएगी, देखते हैं. मैं जानती हूँ 1/2 साइन कब कब होता है, देखिए पाई बाय 6 इज 1/2, देन पाई प्लस पाई बाय 6 इज 1/2, ट्रू, देन सॉरी पाई माइनस पाई बाय 6 इज 1/2, देन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज 1/2, परफेक्ट, देन 3 पाई माइनस पाई बाय 6 इज 1/2, सिमिलरली 4 पाई प्लस पाई बाय 6 इज 1/2, 5 पाई माइनस पाई बाय 6 इज 1/2, एंड सो ऑन. डू यू अंडरस्टैंड दिस. सो कैन आई से एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म n पाई प्लस
minus 1 to the power n pi by 6, okay. N varying when belongs to all real number, all natural numbers, I will say integers, I will say that way. So, for all these, let me say n belongs to z here, all integers. So, ye sari values x ko satisfy karegi. Kyunki in sabke sine ki value 1 by 2 hai. So, is question ko dekhi, sine of angle theta is 1 by 2, find theta. So, ya theta ki values mujhe ye sare angles mil jayegi. ओके अगर अब मैं इसका फंक्शन प्लॉट करूं तो समझिए क्या होगा. लेट अस से व्हाट आई एम प्लॉटिंग नाउ इज दिस फंक्शन g ऑफ y इक्वल्स टू x, ठीक है. या हमने प्लॉट किया था हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू y एंड द फंक्शन वाज sin x इक्वल्स टू y. अब इसकी जगह मैं यहां क्या प्लॉट कर रही हूं, आई एम प्लॉटिंग द फंक्शन g ऑफ y इक्वल्स टू x, ठीक है. g of y equals to x क्या मैजिकल फंक्शन है, इसमें y के अंदर हम साइन ऑफ एंगल की वैल्यू देते हैं. सो y इज रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ एंगल विच में वेरी फ्रॉम माइनस वन टू कैप प्लस वन, ओके. और x से हमें क्या मिलता है, वो एंगल्स जिसकी जिनके साइन की वैल्यू y है, ओके. सो ये है मेरा y और ये है मेरा x, ओके. अब मुझे बताइए y की वैल्यू क्या वेरी करेगी, मैक्सिमम प्लस वन और मिनिमम माइनस वन. एम आई करेक्ट व्हेन आई से दिस, क्योंकि साइन x साइन ऑफ अ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है माइनस वन और मैक्सिमम वैल्यू है प्लस वन. पर x की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, आई विल से x इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बिकॉज एंगल्स पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, एंगल्स के मेजरमेंट तो कुछ भी हो सकता है, इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो दिस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स. और देखिए अब इस चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करते जा रहे हैं. मैंने क्या डिफाइन करने की कोशिश की है, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन साइन एक्स, ठीक है. अब देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा था, साइन एक्स एक्स से वाई को पता कर रहा था, और ये वाला फंक्शन वाई की हेल्प से एक्स को पता कर रहा है, ठीक है. अब ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन की डोमेन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और इसकी रेंज है माइनस वन से प्लस वन. इस फंक्शन की डोमेन हो गई प्लस वन से माइनस वन और इसकी रेंज हो गई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओके. अब एक और चीज देखिए, जब मैं कहती हूं साइन ऑफ जी ऑफ वन बाय टू, ठीक है, मैंने यहां पे क्या डिफाइन किया था, जी ऑफ वन बाय टू, और मुझे x की क्या क्या वैल्यूज मिली थी, ये सारी, ठीक है. तो अगर मैं 1 बाई टू डिफाइन करूं तो मुझे यहां पर x की कितनी सारी वैल्यूज मिल रही है. डू यू अंडरस्टैंड, एक वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे y की बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है. सिमिलरली अगर मैं कहूं साइन x इक्वल्स टू, सॉरी अगर मैं कहूं g ऑफ 1, That is, ऐसे एंगल्स जिनके साइन की वैल्यू 1 है, तो मुझे कितने एंगल्स मिलेंगे, पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, थर्टीन पाई बाई टू, आई एम गोइंग टू गेट इनॉर्मस नंबर ऑफ एंगल्स ओवर हियर, यू अंडरस्टैंड. सो मुझे फिर से बहुत वैल्यूज मिलेगी. सो मैं यहां पे एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत वैल्यूज मिल रही है और यहां पे भी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है. एम आई करेक्ट व्हेन आई से दिस, देखिए यहां क्या हो रहा था, व्हाट एवर फंक्शन वाज दिस, दिस वाज अ मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है. यहां की बहुत सारी वैल्यूज यहां की एक वैल्यू से करस्पॉन्ड हो रही थी, और ऐसा टाइप का फंक्शन को हम फंक्शन कहते हैं, ऐसे टाइप के सेट को, ऐसे टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं. रिलेशन वुड बी अ बेटर केस, सो आई विल यूज द वर्ड अ many is to one relation can be a function, okay. But what is happening here, it is a one is to many relation, ek value bahut sari values se relate kar rahi hai, so aisi value ko main function nahi keh paungi, bilkul bhi nahi keh sakti. Aur ye to hona hi tha, main ye pehle hi samajh gayi thi ki sin x y equals to sin x ka inverse kabhi function ho hi nahi sakta. Uska karan kya hai, dekhiye ye hai many is to one function. जब मैं इनका इनवर्स करूंगी तो ये वन इज टू मैनी हो जाएगा.
तो ऑब्वियसली इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता, और इसीलिए हम कंडीशन भी क्या देख रहे थे कि नॉन इंजेक्टिव भी हो, फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है. क्योंकि देखिए, अगर ऐसा रिलेशन जो इंजेक्टिव भी है और जो सर्जेक्टिव भी है, ठीक है, तो अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करने जाऊंगी तो x में कोई भी वैल्यू एम्प्टी भी नहीं रहेगी और ना ही ये मेनी टू वन फंक्शन बन पाएगा, तभी क्या होगा, इसका इनवर्स भी एक फंक्शन होगा. सो ये कंडीशन भी हम लॉजिकली सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि क्यों हम कहते हैं कि फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो उसे इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए. देखिए, अगर इस केस में मेरा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, तो अगर मैं इसका इनवर्स बनाती तो इसका इनवर्स क्या बन जाता, अ वन इज टू मेनी फंक्शन, ठीक है. अगर मैं इसका इनवर्स बनाती तो इनवर्स कैसा दिखता, देखिए इनवर्स ऐसा दिखता, ट्रू, इसका इनवर्स ऐसा दिखता, तो ये वन इज टू मेनी हो जाता, तो ये फंक्शन हो ही नहीं पाता. सिमिलरली अगर मैं कहती कि ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है पर नॉन सर्जेक्टिव है, ठीक है, एक वैल्यू एम्प्टी रह गई, तो जब मैं इनका इनवर्स बनाती तो यहां पर डोमेन में एक वैल्यू एम्प्टी रह जाती, तब भी ये फंक्शन नहीं बन पाता. वी अंडरस्टैंड दिस, तो हम समझते हैं जब इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट हो पाएगा. सो अब क्या आप ये सभी समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूं कि अगर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना हो तो उस फंक्शन को इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, दैट इज वन वन इज टू ऑन टू होना ही पड़ेगा. इट हैज टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन. एम आई मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर? इसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. दिस इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर एन इनवर्स टू एग्जिस्ट. ओके, सो अब हम क्या कंक्लूड कर पाए यहां पे कि ये जो फंक्शन साइन एक्स इक्वल्स टू वाई है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. और इसका इनवर्स क्या है, मैंने इसका फंक्शन इनवर्स बनाया है जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स. ये एक मैजिक फंक्शन है हमारे पास, और ये मैजिक फंक्शन क्या करता है, इसमें जब मैं साइन ऑफ एंगल देती हूँ वाई के टर्म्स में तो ये मुझे वो एंगल्स की लिस्ट दे देता है जिसके लिए, जिसके साइन की वैल्यू वाई है, ठीक है. अब इस मैजिक फंक्शन को हम कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट ऑलवेज कॉल इट अ मैजिक फंक्शन, से देयर इज अ मैजिक फंक्शन. ओके, सो इस मैजिक फंक्शन को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं साइन इनवर्स एक्स से, इनवर्स एक्स से, और इसे क्या लिखते हैं, हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं, ए आर सी साइन एक्स. सो वी कॉल इट साइन इनवर्स एक्स, दिस इज डिनोटेड बाय साइन के ऊपर एक माइनस वन टू द पावर माइनस वन एक्स, एंड इट इज इवन रिटन एज आर्क साइन एक्स. परफेक्ट, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन साइन इनवर्स एक्स. देखिए इसको समझने का एक और तरीका बताती हूं. ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स. ये फंक्शन क्या कहता है, x एंगल के साइन की वैल्यू देता है. अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो y को ले इनपुट और x को आउटपुट दे, तो मैं यहां करती हूं साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x. मैंने दोनों जगह साइन इनवर्स लिया, साइन इनवर्स लिया तो मुझे मिला साइन इनवर्स वाई इज एक्स, एंड दिस इज माय मैजिक फंक्शन जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स. एंड व्हाट इज जी ऑफ वाई, इट इज साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, या फिर हम इसे लिखते हैं आर्क साइन वाई इक्वल्स टू एक्स. ये नोटेशन कभी कभी यूज होता है, बट साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स ये नोटेशन तो हमेशा यूज होता ही होता है. ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन, दिस इज अ लीस्ट यूज्ड वन, बट वी शुड नो बोथ द नोटेशंस. ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू अवर इनिशियल क्वेश्चन, द इनिशियल डिस्कशन दैट वी वर हैविंग, कि
साइन एक्स इक्वल्स टू वाई का तो मैं इनवर्स बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये फंक्शन नॉन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है. बट अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा ये फंक्शन साइन एक्स जो है वो इंजेक्टिव बन पाए, तो ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. तब मैं चाहूँ तो मैं इसका इनवर्स निकाल सकती हूँ. सो व्हाट इज माय टारगेट राइट नाउ? मेरा टारगेट है कि मैं इस फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स को बाइजेक्टिव बना दूं. बाइजेक्टिव बनाने के लिए सर्जेक्टिव तो है, बस मैं इसे इंजेक्टिव बना दूं, तब मैं इस फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को डिफाइन कर पाऊंगी. ओके, सो व्हाट इज माय टारगेट राइट नाउ? माय टारगेट इज वी हैव टू मेक दिस फंक्शन साइन एक्स एज बाइजेक्टिव. जैसे ही ये बाइजेक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये फंक्शन g ऑफ y इक्वल्स टू x है, लेट मी कॉल इट अ रिलेशन राइट नाउ, क्योंकि ये अभी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये मेनी इज टू वन इज टू मेनी है. ओके, सो जब ये रिलेशन g ऑफ y इक्वल्स टू x, ये जैसे ही इंजेक्टिव बनेगा तो ये यहाँ पर भी इंजेक्टिव हो जाएगा. ये वन इज टू मेनी की जगह वन इज टू वन हो जाएगा. एट द मोमेंट इट इज वन इज टू वन, इट इज इवन अ फंक्शन. तो तब ये भी फंक्शन होगा और ये भी फंक्शन होगा. तब मैं कहूंगी कि दिस y इक्वल्स टू साइन एक्स का इनवर्स एज अ फंक्शन एग्जिस्ट करता है. सो लेट अस सी द कंडीशंस व्हिच वी विल हैव टू इंपोज सो दैट माय दिस फंक्शन व्हाट डज इट बिकम्स, इट बिकम्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. ओके,